सऊदी अरब ने भी नुपुर शर्मा के बयान पर जताया एतराज, पार्टी से निकालने की तारीफ भी की। टीएमसी की बेबाक बोलने वाली सांसद महुआ मोइत्रा, अभिनेत्री स्वरा भास्कर और अभिनेता फरहान अख्तर ने भी दिया रिएक्शन। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर अब सऊदी अरब ने भी बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की आलोचना की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इस विवाद पर एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रवक्ता की पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी अपमानजनक है। विदेश मंत्रालय इसकी निंदा करता है। सऊदी से पहले ईरान, कतर, कुवैत सहित कई मुस्लिम बहुल देश नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर आपत्ति जता चुके हैं। साथ ही इन देशों ने वहां मौजूद भारतीय राजदूतों को तलब भी किया। मुस्लिम बहुल देशों द्वारा जताई गई आपत्ति पर देश के कई दिग्गजों ने अपना पक्ष रखा है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी प्रतिक्रिया दी है। आइए देखते हैं किसने क्या कहा। वरिष्ठ लेखक अशोक कुमार पांडे ने ट्वीट करके लिखा, जिस अरब दुनिया में भारत को हमेशा सम्मान मिला, जिस अरब दुनिया ने पाकिस्तान पर भारत को हमेशा तरजीह दी, जिस अरब दुनिया से हमेशा दोस्ताना रिश्ता रहा हमारा, वहां हमारे राजदूत को तलब किया गया, बहिष्कार की बातें की गई, प्रधानमंत्री की अपमानजनक तस्वीरें लगाई गई, जिम्मेदार कौन। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने एक और भाजपा नेता जिन्होंने नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया है उनको जवाब देते हुए लिखा, मतलब सुधर मत जाना, अभी और भद्द पिटवानी है देश के इन लोगों ने। बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, जबरन माफी दिल से कभी नहीं होती। वहीं बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए चर्चित सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करके लिखा, कौन सा मजाक कर रही है बीजेपी। इस प्रवक्ता ने 2002 के गुजरात दंगों की तस्वीर को जुलाई 2017 में पश्चिम बंगाल दंगे के रूप में प्रसारित करने की कोशिश की और कोलकाता पुलिस ने उसके खिलाफ गैर जमानती मामला दर्ज किया। सीरियल से नफरत करने वाली उनकी पार्टी ने सराहना और समर्थन किया। इस बार MEA को संभालने के लिए मिडिल ईस्ट की गर्मी बहुत ज्यादा भारी पड़ गई। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।